नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस क्रोटन के प्लांट के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि बिल्कुल मरती हुई स्थिति से ये कैसे किस तरह से सही किया जा सकता है। ओके, बताते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्रोटन जो है 2-3 दिन पहले क्या हुआ, ये एकदम से इसकी है ना लीव्स नीचे हो गई। इससे पहले भी मेरे क्रोटन के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं इसको कम ही उगाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे क्रोटन का ये यहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता क्या है। तो ये बिल्कुल एकदम इसकी लीव्स बिल्कुल जो इसकी स्टेम है बिल्कुल नीचे तक चली गई थी और एकदम झुक गई थी। मुझे लगा कि अब तो ये जाएगा, अब इसका कुछ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ इस पर ट्राई करते हैं। ये जो इसका जो इसकी पत्तियां हैं, दो और पत्तियां थी इसके अंदर, वो तो बिल्कुल टूट ही गई, वो है ना नई पत्तियां थी। जबकि तो सबसे पहले मैंने ये गमला जो है प्लास्टिक का गमला है, सारी मिट्टी निकाली इसकी। मैंने सोचा कहीं इसके ड्रेनेज होल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी जो पूरा मिट्टी निकाल दी। और मिट्टी निकालने के बाद उस मिट्टी को मैंने एक दूसरी तरफ रख दिया और जो इसकी जड़ है, रूट्स हैं, उनको मैंने इसकी रूट तक भी बिल्कुल मिट्टी निकाल दी। और उसके किसी बर्तन में थोड़ा सा मैंने पानी के अंदर फंगीसाइड होता है वो हल्का सा मिला के और उसके अंदर इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हो और उसमें आप इसको 10-15 मिनट के लिए रख दो। ऐसे मैंने इसको रखा था 10-15 मिनट के लिए। और इस गमले में मैंने कम से कम 4 होल और किए, 2 होल थे इसके अंदर ऑलरेडी, तो इसमें 4 होल और कर दिए। उसके बाद मैंने इसकी कोई मिट्टी चेंज नहीं करी, कुछ नहीं करा, जो मिट्टी है वही की वही मिट्टी है। बस उसको इस तरह से इसको 10-15 मिनट डाल के निकाल दिया और इसको वापस मैंने इस तरह से लगा दिया है। और उसके बाद थोड़ी मैंने इसको हल्की धूप में, अभी जैसे हल्की सी धूप आई हुई है, उसमें रख दिया और अब देख